नेक्स्ट है एवोगैड्रोज लो, जो किसने दिया, ये दिया हमारे इस भाई साहब ने, क्या दिख रहेला है ये, एकदम रशियन मूवी का हीरो लग रहेला है। नाम क्या है इसका, अमारियो अवगैड्रो। नाम देखो इसका कितना अलग एक्सेंट से बोला जाता है। नाम लिखो एवोगैड्रो का पूरा नाम क्या था, अमारियो अवगैड्रो। अगर आपकी क्लास में एक लड़का पढ़ता हो जिसका नाम हो अमारियो, ठीक है, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, अमारियो एवोगैड्रो। तो आपको ये एवोगैड्रो लो क्या कहता है, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताता हूं, गेल लुसाक लो और एवोगैड्रो लो ऑलमोस्ट सेम है। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। अरे कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि अगर आपने टेंपरेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इन दैट केस अगर दो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है, अगर यहां पर दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने पर दो गैसेस के अगर वॉल्यूम इक्वल है, गैस नंबर वन और गैस नंबर टू में वॉल्यूम इक्वल है, तो पक्का उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और पक्का इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यही एवोगैड्रो लॉ है, यही एवोगैड्रो लॉ है। बहुत सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब यह निकलता है कि अगर दो गैसेस के सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ है और ये हम कितनी बार कर चुके हैं यार, दैट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी पीजी है, जो आप लोग जब आप इसकी यू नो मोल के फॉर्मूले किससे कैलकुलेशन करते हो तो यही चीजें तो निकल के आती है। अभी थोड़ी देर में मोल के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो एवोगैड्रो लॉ दिया था हमारे अमारियो एवोगैड्रो ने, जो ये कहता था कि अगर वॉल्यूम का सेम टेम्परेचर और प्रेशर के अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो पक्का उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। कितनी बढ़िया बात बोलता है अमारियो एवोगैड्रो, है ना। तो यही बात वो यहां पर भी लिख रहा है, यहां पर जरा आप चेक करना, बहुत सिंपली इसको रिप्रेजेंट किया गया और मैं आपको बता भी रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिया, तो दो वॉल्यूम आपको किसके मिले, H2O के। तो इसका मतलब समझो, यहां पर हाइड्रोजन के आपने दो वॉल्यूम लिए और आपको यहां पर क्या मिल रहा है, दो वॉल्यूम पानी का मिल रहा है, तो इनके स्टोइकियोमेट्री भी सेम है। समझ में आ गया, अगर दो हाइड्रोजन लोगे तो दो ही पानी मिलेंगे, इनके मोल्स भी सेम है, इनके मॉलिक्यूल भी सेम है। समझ में आ गया, यही बात एवोगैड्रो कह रहा है। एवोगैड्रो कहता है अगर दो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ का कहना था।